पिछले कुछ दिनों से नेपाल जैसा छोटा देश जिसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है वो भारत को ललकार रहा है। भारत के एक नागरिक की जान ले ली, एक नागरिक को इतना मारा गया, 24 घंटे उसको पीटा गया। हमारे क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए पार्लियामेंट में कानून पारित करता है, उसको पूरी पार्लियामेंट पास करा लेती है, लेकिन 56 इंच वाली सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो पूरे दुनिया में घूम रहे थे, विदेश नीति का एक बहुत बड़ा नाटक कर रहे थे, वो पूरी तरीके से विफल सरकार साबित होती है और ये स्पष्ट कर देती है कि हमारा विशालकाय भारत नेपाल जैसे छोटे सात देश से डर रहा है। ये बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप 56 इंच का सीना दिखा करके आप आगे बढ़िए, हम सब साथ हैं। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं नेपाल के संबंध में। 2,91,00,000 नेपाल की आबादी है और नेपाल के पास सिर्फ 96,000 आर्मी है, सेना है, जबकि भारत के अंदर 22,00,000 आर्मी के जवान हैं, रिजर्व और एक्टिव आर्मी 14,00,000 एक्टिव आर्मी, लगभग 8,00,000 रिजर्व आर्मी, साथ ही साथ लगभग 50,00,000 आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो रोजाना खाकी पैंट पहनकर डंडा लेकर कहते हैं कि हम सरहद पे चले जाएंगे। मोदी जी, 56 इंच के सीने वाले साहब, जिस आरएसएस से आप आए हैं वही आरएसएस, वही सावरकर वाले, वही लोग जो हिंदुत्व की विचारधारा रच के भारत के भाईचारे को खत्म करने का षड्यंत्र रचे थे, इन लोगों को क्यों नहीं भेज देते बॉर्डर पे नेपाल का जवाब देने के लिए? अमित शाह जी, आपकी देशभक्ति और तमाम ये टीवी एंकर्स की देशभक्ति, नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की कड़ी निंदा, अरे निंदा साहब, नेपाल पे निंदा की होती, नेपाल आज हमें आंख दिखा रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए बढ़ रहा है, उसने बॉर्डर पर आर्मी लगा दी है, लेकिन कहां गए आपके वो फाइटर जेट, आपके राफेल कहां गए जो आपने सारा रोजगार हम दे नेपाल को, नेपाल की करेंसी है, लास्ट टाइम पे डिमोनेटाइजेशन में हमने चेंज की, अपने लोगों की नहीं की, उनकी की, लेकिन वहां दिखा रही आपकी कमी है। और एक बात कि नेपाल इतना छोटा सा देश अगर हमें ललकारता है और हमारी सरकार गूंगी और बहरी बन चुकी है, आज गुस्सा आता है एक भारत के नागरिक को। मैं भारत का बाइज्जत शहरी हूं, भारत का नागरिक हूं, भारत का किसान हूं, भारत का नौजवान हूं, भारत का एक बुनकर, भारत का एक मजदूर कहता है कि क्या 56 इंच का सीना किसानों पर जुल्म करने के लिए है, क्या मजदूरों को मरने के लिए छोड़ने के लिए है, क्या नोटबंदी ला करके गरीबों को नौ रोजगार को लूटने के लिए है, क्या 56 इंच का सीना बुनकर और छोटे व्यापारियों पर जुल्म करने के लिए है जीएसटी ला करके, क्या 56 इंच का सीना नेपाल को नहीं दिखाया जाएगा? क्यों डर रहे हो नेपाल से? मैं बात जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है, देश के तमाम 138 करोड़ भारतवासी, जो कुछ लोग भारत मां के रूप में और कुछ लोग भारत को देश के रूप में अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो सब आज पूछना चाहते हैं कहां गई देशभक्ति? क्या यही देशभक्ति है कि कोई अपने देश की संसद में कानून लाए, हमारे देश पे कब्जे की बात करे और हम खामोश बैठे रहें? जब नोटबंदी हो रही थी आपने अपने लोगों के नोट को ठुकराकर, करेंसी को ठुकराकर, नेपाल की करेंसी जो इंडिया की करेंसी के बाद उसको चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम नेपाल को दिया था। नेपाल को जब आप दाई तो हजारों करोड़ रुपया आपकी सरकार ने दिया था, नेपाल के लोगों को रोजगार आप देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब से आपने चौकीदार कहा अपने आप को, तो चौकीदार चौकीदार तो बराबर का हो जाता है ना, तो उस चक्कर में नेपाल को घमंड हो गया कि मैं उस चौकीदार को हरा दूंगा। आपके अंदर अगर सच्ची राजभक्ति है तो सर्जिकल स्ट्राइक करिए नेपाल पर, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, करिए सर्जिकल स्ट्राइक नेपाल पर। दूसरी तरफ चाइना लाल आग दिखा रहा है, लद्दाख में घुस गया, चाइना लद्दाख में घुस गया, फॉरेन पॉलिसी कहां है? ये सारी दुनिया जो घूम करके आपने पूरा माहौल बनाया कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग कर रहे हैं, क्या स्ट्रांग कर रहे हैं? जिस नेपाल ने 70 साल में जिसकी औकात नहीं हुई वो हमको ललकार रहा है, चाइना अंदर घुस चुका है,
चाइना अंदर घुस चुका है, नेपाल ललकार रहा कैसी फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं, चाइना का प्रोडक्ट बाइन कर दो। और मैं तो कहता हूं नेपालियों के लिए, ये जो पतंजलि है ये नेपाल का है बालकृष्ण मूल रूप से, इस कंपनी का बहिष्कार करो, पतंजलि का बहिष्कार करो। नेपाली जो भी आप इस तरह की हरकत करे बहिष्कार करो उनका। चाइना का बहिष्कार करने के लिए बोलते हैं, आईफोन बनता चाइना, रेडमी चाइना, और जितने प्रोडक्ट्स हैं टी शर्ट्स सारे चीजों पर डिपेंड चाइना पे हैं। खुद तरक्की किए नहीं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी सरकार में, रियल एस्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट को 12% से लाकर के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट को ले आए आप सीधा 0.6% पे, क्या चाहते हैं आप। मैं तो कहता हूं कि चाइना का बहिष्कार से पहले नेपाल का बहिष्कार करो, और लाल आंख दिखाओ नरेंद्र मोदी जी चाइना को, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी जमीन वापस लो, वरना हम ऐसी निकम्मी सरकार को, देश की 130 करोड़ जनता हटाना चाहती है, हम देश के लिए मर मिटने वाले हैं, हम बलिदान दे देंगे लेकिन देश की 1 इंच जमीन नहीं देंगे, देश झुकने नहीं देंगे। अगर नरेंद्र मोदी भी देश को झुकाना चाहेंगे तो हम नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, लेकिन भारत की एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे, देश झुकने नहीं देंगे। हम भारत के किसान हैं, भारत के मजदूर हैं, भारत के जवान हैं, हम लोग भारत के सच्चे नागरिक हैं, भारत से प्रेम है, हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत।